अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मैं पैकिंग करने लगी थी और मैंने सोचा एक वीडियो बना के दिखाया जाए कि मैं पैकिंग किस तरह करती हूँ, क्योंकि जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है और अक्सर माओं का सवाल आता है कि बच्चों के साथ आप इतना कुछ किस तरह रखती है। मेकअप भी रख लेती हैं, जूते भी सबके साथ सूटों के साथ अलग अलग रखती है, बैग भी ले जाती हैं और बाकी चीज़ें भी साथ आप ले जाती हैं, पैकिंग किस तरह करती हैं? मैंने बेटा पानी पी के आओ, वो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि मेरा पास एक छोटा बैग है, उसके अंदर मैंने कितने सूट रखे हैं, जूते किस तरह रखे हैं और सारी चीज़ें जिस तरह रखूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। चले जी वीडियो की तरफ चलते हैं। चले जी पैकिंग शुरू करते हैं। पैकिंग की सबसे पहली टिप ये है कि आप लोगों ने अगर कहीं जाना है तो 3 दिन पहले आप लोगों ने एक पॉइंट बना लेना है जहाँ पे आप लोगों ने चीज़ें रखते जाना है, जो जो आप लोग ने साथ लेके जानी है। ठीक है, अभी हमने बैग में नहीं डाला, बैग वो पड़ा है, बैग खाली पड़ा है, चीज़ें मैंने एक जगह पे रख ली हैं ताकि मेरे जहन में हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। 3 दिन पहले इसलिए कि कोई ना कोई चीज़ याद आती रहती है कि ये भी लेके जानी है, ये भी लेके जानी है, वो भी लेके जानी है। सब कुछ हम रखते जाएंगे, जब हमारी सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी फिर हम तरीके के साथ तसल्ली के साथ बैग में डाल लेंगे, ताकि जगह भी थोड़ी, स्पेस भी कम लेगा बैग और ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी छोटे बैग के अंदर। ठीक है जी, चले जी अब हम लोग सबसे पहले कपड़े डिसाइड कर लेते हैं कौन से लेकर जाने हैं। अच्छा, जाना हम लोगों ने 5 दिन के लिए, 5 से 6 दिन के लिए, अभी कंफर्म नहीं है 5 दिन के लिए जाएंगे या 6 दिन के लिए जाएंगे। मैं हमेशा क्या करती हूँ, अगर हमने 5 दिन के लिए जाना होता है मैं रखती हूँ सूट 6, अगर 6 दिन के लिए जाना होता है 7 रखती हूँ। इसलिए आज हमें पता नहीं है कि हमने 5 दिन के लिए जाना है या 6 दिन के लिए जाना है, तो मैं 7 सूट रखूंगी। 1 या 2 एक्स्ट्रा इसलिए रखती हूँ क्योंकि बच्चे साथ होते हैं, कोई पता नहीं होता, दायम उल्टी कर दे, ईमान कुछ पानी गिरा देती है मजाक मजाक में, या सूट कभी कभार फट जाता है, इस्त्री करते हुए जल जाता है, कुछ नहीं पता होता हालात क्या होते हैं। इसलिए मैं हमेशा 2 अपने साथ सूट एक्स्ट्रा रखती हूँ, ताकि अगर एक सूट मैंने रखा है वो अच्छा नहीं लग रहा, मूड नहीं बन रहा, तो जो एक्स्ट्रा रखा हुआ सूट वो काम आ जाते हैं। ठीक है जी, 2 सूट मैं एक्स्ट्रा रखती होती हूँ, टिप नंबर 2 है। अगर आप लोग भी 2 सूट एक्स्ट्रा रख लेंगे आप लोग के लिए आसानी हो जाती है, बैठे बैठाए को प्लान बन जाता है कहीं जाने का, बैठे बैठाए कुछ भी हो सकता है ना, मतलब सपोज कर लें कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए 2 सूट मैं एक्स्ट्रा रखूंगी। ये कपड़े मैंने निकाले हैं बाहर। अच्छा, कपड़ों की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, कौन कौन से ब्रांड के हैं, किस तरह स्टिच करवाए हैं, वो आप लोगों को अलग प्रॉपर वीडियो में लटका के हर चीज़ दिखाऊंगी, अभी सिर्फ हम पैकिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है जी, ये वाला जो मैंने ड्रेस निकाला था ये मैं पहन के जाऊंगी। सबसे जी पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ कपड़े रखने से पहले मैंने पहन के कौन सा जाना है। पहन के मैं ऐसा जाती हूँ जो कम्फर्टेबल भी हो, बहुत सिंपल भी ना हो, बहुत फैंसी भी ना हो। ये देखिए सिंपल है, गले पर एम्ब्रॉयड्री है शिफॉन का, बिल्कुल लाइट सा दुपट्टा है, बैग भी बिल्कुल प्लेन है, प्रिंटेड है। सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया पहन के ये जाना है, तो हम अब जी यहाँ पे रख देंगे। ठीक है जी, ये वाली टिप जी बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लड़कियों के लिए जिनको समझ नहीं लगती हम लोग जब पैकिंग कर रहे होते हैं किस तरह के कपड़े रखें, प्रिंटेड रखें सारे, एम्ब्रॉयडर्ड रखें या सॉलिड रखें। मैं सबका मिक्सचर रखती हूँ और एक कलर में दोबारा रिपीट नहीं करती। सपोज अब मैंने ये वाला ब्लू रखने का फैसला किया ना, ये वाला बिल्कुल प्लेन वाला ब्लू है, तो मैं जो वो सना सफीनस का आप लोग को ब्लू नजर आ रहा है उसको स्किप कर दूंगी। ठीक है, अब मैं ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट रखूंगी। ये देखें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों के कलर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये पहन लूंगी, फिर मैं लाइट पहन लूंगी, फिर दोबारा डार्क पहन लूंगी। ये नहीं करूंगी पहले ये पहनूंगी पहले फिर ये पहनूंगी, इन दोनों को अगर इकट्ठे इकट्ठे कि अगले दिन पहन लिया जाए तो फर्क नहीं पता चलेगा। फर्क पता चलने के लिए एक दिन डार्क, एक दिन लाइट, एक दिन डार्क, एक दिन लाइट, एक दिन एम्ब्रॉयड्री, एक दिन बिल्कुल प्लेन, एक दिन प्रिंटेड, एक दिन बिल्कुल भरी हुई एम्ब्रॉयड्री, इस तरह करके अगर सूट पहने जाए तो सूट उठ के आते हैं और पर्सनैलिटी भी आप लोग की बड़ी अच्छी लगती है। ये छोटी छोटी सी टिप्स है जो वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, लेकिन अगर आप लोग अप्लाई करें तो बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। ये देखिए जी, अब मैं सूट पैक आप लोग करके दिखाती हूँ मैं हर सूट किस तरह पैक करती हूँ। ये बिल्कुल ब्लैक सूट है और इसके जी बाजू पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है और मैंने जूती इसके साथ ये सेलेक्ट की है। हर जूती को उसके सूट के साथ रखना है, अलग नहीं रखना, अलग रखोगे तो बैग के अंदर जगह ही नहीं बचेगी। हमने सीधा करके ये सूट रख दिया, उसके बाद जी ये इसका दुपट्टा रख दिया। अब हमने इस तरह का मैं ले लेती हूँ बबल रैप। ठीक है, ये बबल रैप यहाँ रखा, जूती का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो गंदा होता है इसलिए बबल रैप मैंने रखा है, उसके ऊपर मैंने रख दिया। अब ये देखें जी, इसको मैंने बहुत प्रिसाइजली रोलिंग शुरू कर देनी है, रोलिंग 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 रोलिंग। ये देखें ये रोल हो गया, अब चलते हैं इसको बैग के अंदर रखने।
ये देखे जी, रोल करके सूट और इसके अंदर जूती मैंने रख दी है ताकि जूतियों का अलग से शॉपर भी ना बने, और ऊपर रखते हैं तो बहुत ज्यादा खिलारा लगता है हर सूट के अंदर उसकी जूती। अब चलते हैं अगला ड्रेस पैक करते हैं। अब चलते हैं जी अगली ड्रेस की तरफ। ये देखे जी, इसका स्कार्फ है और बिल्कुल प्लेन ट्राउजर शर्ट है। ये सिल्क टाइप का कपड़ा है शिफॉन का। इसके साथ मैंने ये वाले जी पम्प्स पेयर अप किए हैं। बबल रैप लिया, बबल रैप को जी यहाँ रख दिया, जूते रख दिए इस तरह ऊपर नीचे करके। ये देखे जूते रख दिए। आप लोग कह रहे हैं क्या कम लिए, कम जूते ले जाए। कही भाई हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करें, कम क्यों जूते लेके जाएं। ये देखिए जी, ये हमारा दूसरा सूट पैक हो गया। जूते ये रहे, सूट पैक हो गया, जूते भी अंदर, सब कुछ अंदर। हम सूट निकालेंगे और मैचिंग मैचिंग है। मुझे तो लगता है देखो यार, अब मैं 28 साल की हो गई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कितनी देर तक फैशन हो जाएगा। ठीक है ना, इंसान के अंदर जो जवानी का फैशन होता है ना, उसकी जो चाम होता है ना, वो अलग ही होता है। ठीक है, इसलिए हमें रच के फैशन करना चाहिए, कोई मसला नहीं है। इंसान ने अपने आप को खुश करना है, तो इसलिए ये जी अब ये भी हम वापस बैग में डालते हैं। अब जी अगले ड्रेस की तरफ चलते हैं। इसके साथ मैंने ये जूते पेयर अप किए हैं। अच्छा, अब ड्रेस नंबर 1, 2, 3 मैं मेंशन कर दूंगी। आप लोग को जो ड्रेस देखना होगा आप लोग बता दीजिएगा, या सब ड्रेस देखने होंगे मैं सारे आप लोग को अगली वीडियो में दीवार के साथ लटका के प्रॉपर दिखा दूंगी। अच्छा, अब जो ये हिल गया थोड़ा कैमरा, सॉरी जी। जो ये वाला ड्रेस है ना, ये है ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ। ठीक है, उसके बाद इसका जो दुपट्टा है एम्ब्रॉयडर्ड है। जब मैं एम्ब्रॉयडर्ड पहनूंगी अगले दिन, मैं बहुत ही सिंपल कोई ड्रेस पहनूंगी ताकि एकदम उठ के आऊँ। एक चीज़ देखते देखते ना इंसान बोर हो जाता है। ठीक हो गया, दो मैंने सॉलिड रख लिए, एक मैंने एम्ब्रॉयडर्ड रख लिया। इसके ऊपर भी हमने ये रखा। ठीक है जी, जूतों की टेंशन ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई ख़राब नहीं होता जूता। ये हमने रखा और ये रोल कर लिया। हाँ जी, ये बैग की सूरत हाल है। 3 सूट और 3 जूतियाँ हमने इसके अंदर डाल के रख दी हैं। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, जूतियाँ अंदर छुप गई हैं। ठीक है, अब इस साइड पे भी 3 सूट आएंगे। छोटा बैग है, शायद कैमरे में आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा। तो कितना, एक मिनट, मतलब 2 हाथ भी पूरे नहीं है, एक बंद हाथ और एक पूरा हाथ है। अगला सूट जी ये आ गया। 2 सॉलिड भी रख लिए, एम्ब्रॉयडर्ड भी रख लिया। अब ये मैंने नेट का दुपट्टा रखा है चेंज के लिए, और थोड़ा सा धड़कता भड़कता कलर रखा है। ये देखिए पटाखा टाइप कलर है ये। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था ड्रेस। ये इसका दुपट्टा आ गया और ये इसकी शर्ट आ गई। शर्ट मैंने बिल्कुल प्लेन सिलवाई है, बस ये बटन्स लगवाए हैं। और ये इसका ट्राउज़र है। और इस बार मैं जूती कोई नहीं रखूँगी, क्योंकि जो एक मैंने जूती पहन के जानी है ना, वही इसके साथ चल जाएगी। तो इसको हम इसी तरह रोल रोल करेंगे। हाँ जी जनाब, ये तो बिल्कुल छोटा सा रोल होगा। ये देखिए, कपड़े इस्त्री की टेंशन नहीं लेनी, जहाँ जाएंगे वहाँ इस्त्री तो होगी। अगर हम इस्त्री की टेंशन लेंगे तो बैग में चीज़ें पूरी नहीं आएंगी। इसको भी अब हम बैग के अंदर रख देते हैं। बैग के अंदर आ गया जी फिट। अब चलते हैं जी अगले ड्रेस की तरफ। ये देखिए अगला ये ड्रेस है, ये दुपट्टा है इसका, और ये शर्ट आ गई। इसके साथ भी जो जूती है मैंने रखी हुई है पहले ही एक और सूट के साथ, क्योंकि एक है जूती ब्लैक और डार्क ग्रे सी, वो 2-3 ड्रेसेस के साथ चल जाएगी। इसको भी रोली रोली करेंगे। कितने सूट हो गए, 1, 2, 3, 4, ये 5वां सूट है। अब बारी आती है जी 6वें सूट की। ये शिफॉन का दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। ठीक है जी, इसके साथ मैं जो जूती मैंने मैच की है वो ये है। जो ये वाली जूती है ना, 2-3 ड्रेसेस के साथ मेरी चल जाएगी। ब्लैक का टच भी है, हल्का सा सिल्वर भी आ रहा है और ग्रे भी आ रहा है। और ये बिल्कुल नई जूती है, तो इसके ऊपर ये मैं नहीं रख रही, ये भी निकाली ही है, बॉक्स से पहनी भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे। ये भी जूते के साथ पैक हो गया। अगला जी ड्रेस ये आ गया। ये दुपट्टा है, अभी बताऊंगी नहीं कौन सा है, अगली वीडियो में बताऊंगी ना। ये इसकी शर्ट आ गई, ये इसका ट्राउज़र आ गया। जो हम लोगों ने सबसे पहले ब्लैक ड्रेस रखा था, उसके साथ जो स्लाइड्स थी ब्लैक कलर की, वो इसके साथ चल जाएंगी, इसलिए डबल डबल नहीं रखेंगे। तो इसको भी अब रोल करते हैं। ये बहुत बड़ा हुआ है, इसको ज़रा मैं सेट करती हूँ, फिर इसको रोल करके दिखाती हूँ।
ये जी इसको कर दिया रोल, ये बहुत प्यारा सूट है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। अच्छा जी ये देखें जी, अब कपड़े कितने ज़बरदस्त किस्म के रखे गए हैं, सबके साथ जूतियाँ भी हैं, और अब हम इसको यूं करके रखेंगे। अच्छा पहले हमने ओहो ये खुल गया यार, यूं 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 रखा, अब हम यूं 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 रखेंगे। ये देखिए जी ये हमने रख दिया, अब हमारे हो गए हैं 7 सूट कंप्लीट जो हमने 7 दिन पहनने हैं। अब बारी आती है नाइट सूट की, नाइट सूट लाजमी रखा करें, 2 तो कम से कम रखा करें, ठीक है। रात को जब इंसान इतना त्याशर हो के रात को जब बेड पे जाते हैं ना, उसको होता है कि कंफर्टेबल कपड़े पहने हो, कहीं गया हो ना तो ज़्यादा उसको होता है कि कंफर्टेबल कपड़े हो, अक्सर हम कंफर्टेबल कपड़े लेके नहीं जाते त्याशरी के चक्कर में। तो 2 नाइट सूट हम रखेंगे, एक रखेंगे शलवार कमीज़, एक रखेंगे ट्राउज़र शर्ट, वो मैं आप लोग सामने पैक करती हूँ। ये देखें जी ये 2 नाइट सूट है, एक ये ट्राउज़र शर्ट है और एक ये शलवार कमीज है, जैसे कंफर्टेबल आप लोग होंगे पहन लीजिएगा। मैं दोनों चीज़ें रख लेती होती हूँ क्योंकि कभी मेरा ये पहनने का दिल कर रहा था, कभी ये पहनने का दिल करता है, इनको भी हम रोल करके फिर बैग में रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। ये देखें जी नाइट सूट भी इसके अंदर आ गए हैं, कितना कुछ आ गया है, अभी बहुत स्पेस है, घबराना नहीं, परेशानी ना, ऊपर तक जब तक बैठ के हम लोग जिप नहीं ना बंद करेंगे तब तक आप लोगों ने बैग को छोड़ना नहीं है। अब बारी आती है जी इसके अंदर स्ट्रेटनर रखने की, स्ट्रेटनर के बगैर मेरा सफ़र नहीं होता, बाल अगर अच्छे नहीं लग रहे होंगे तो मैं क्या करूँगी यार, स्ट्रेटनर रखते हैं। ये जी स्ट्रेटनर एक साइड से हम घुसाएंगे ताकि ऊपर ना आए, ये अंदर करके ना कपड़ों के अंदर, ये देखिए पता भी नहीं चल रहा स्ट्रेटनर आ गया। ये टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं हमें होता है कि इस साइज़ के बैग में हमारी सारी चीज़ें आ जाएं, और छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती हैं इसके अंदर, हम लोग जिप लॉक बैग रखेंगे इसके अंदर। देखिए जी ग्लॉस आ गई है सारी, एक मैंने विंकी रखी है, एक स्वीट 16 रखी है, एक फ्लॉन्ट रखी है, बाकी लिपस्टिक्स रखी हैं, एक रिवाज के लिए पेंसिल रखी है, एक एसेंस का ये रखा है, बाकी ब्रशेज रख दिए हैं, टार्ट का कंसीलर रख दिया है, सब चीज़ें जो लंबी लंबी हैं जो घूमने शुमने वाली हैं वो मैंने इसके अंदर रख दी हैं, ये मैंने ब्लश ऑन रख दिया है। उसके बाद एक सर हेयर सीरम है, फिर एक और बैग बनाया है उसके अंदर पोनी रख लिया, शार्पनर रख लिया, और ये छोटे टॉप्स इयर रिंग्स रख लिए हैं, टॉप्स रख लिए हैं, ठीक है जी। फिर ये आ गई जी स्काई फॉल बाउंटी, और जी बस ये चीज़ें हो गई, अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको बंद कर देंगे। जिप लॉक बैग के अंदर से रखने से क्या होता है कि थरथली नहीं बचती, हमें पता है इसको हम अलग कर देंगे, इसको हम अलग रख लेंगे, और जो चीज़ें होंगी तसली से इस्तेमाल करेंगे, और वापस विदाउट खिलारा डले हम इसके अंदर चीज़ें फिक्स आउट कर देंगे। ये मैं ज़रा तरीके से रख लूँ, ये भी इसके अंदर रख लूँ, और यहाँ पे मैंने ये फेस वॉश लिया है छोटा सा एक्नी कंट्रोल, क्योंकि जब बाहर जाते हैं मेकअप बहुत होता है, तो एक्नी कंट्रोल फेस वॉश रख लो, क्लींजर रखना नहीं भूलना, मेकअप क्लींजर ये मैंने लिया था सौदिया से और ट्राई करने के लिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। इसकी वाइट पेंसिल भी ली थी वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो ये वाला है ना ये बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात इसकी है पलके नहीं तोड़ता, बाकी क्लींजर बहुत अच्छे हैं मेकअप रिमूवर, लेकिन उससे मुझे लगता है पलके टूट जाते, इससे पलके नहीं टूटती। और ये मिनी सो की रखी है कॉटन, कभी भी मेकअप टिश्यू से नहीं उतारना, कॉटन से ही उतारना है वरना मुंह छिल जाएगा। अब ये सब चीज़ें ज़रा मैं सेट करती हूँ, फिर मैं बैग में रख के दिखाती हूँ। और जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेज़र सेफ्टी, गर्ल सेफ्टी लाजमी रखिएगा, कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं ज़रूरत पड़ जाती होती है, एक तो लाजमी रखें। चलें अब इसको पैक करते हैं और इधर रखते हैं। ये देखिए जी मेकअप भी रख लिया, मेकअप रिमूवर वगैरह भी रख लिया, स्ट्रेटनर भी, कपड़े भी, नाइट सूट भी, और यहाँ पे मैंने जी अंडर गारमेंट्स रख लिए हैं, वो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, मैंने कहा ये ना आप लोग अपने अब्बू साथ देख रहे हो, अब्बू के हो है ठीक है। इधर हम लोगों ने अपने अंडर गारमेंट्स, सैनिटरी पैड्स वगैरह रख दिए हैं और कर दिया। अब बारी आती है जी हैंड बैग की, हैंड बैग मैं इस तरह का रखती हूँ जिसके अंदर ये वाली जिप भी हो और ये वाली जिप साइड पॉकेट्स भी हों, ताकि ट्रैवल के दौरान बहुत मुझे आसानी रहे। बाकी जो टोट बैग्स होते हैं ना ट्रैवल के दौरान इतने बुरे होते हैं, इतने बुरे होते हैं, चीज़ें ही गिरती रहती है उसके अंदर, जिसके अंदर जिप ना हो वो ट्रैवल के दौरान मैं लेके ही नहीं जाती, शशकेले के लिए सिर्फ होता है टोट बैग या कहीं मॉल शॉपिंग करने जाना। एक मैं ये रखूँगी चार्ल्स एंड कीथ का, ये माइकल का है, और ये मैं बैग में डालूँगी ठीक है, इसके साथ मैं ट्रैवल करूँगी। हाँ जी हाँ जी आ जाओ। अच्छा इसके अंदर मैंने अपनी रिंग्स वगैरह रख ली हैं, ये एक वॉच रखूँगी। अच्छा जो ये चीज़ें हैं जब मैंने ट्रैवल करना है तब पहनूंगी, ये वॉच हो गई,
और ये एक छोटी सी इसके साथ रिंग हो गई और ये छोटे से टॉप्स हो गए। ये मैं पहनूंगी, ये मैंने अलग रख दिया, फिर मेरा वॉलेट आ गया, ये इसके पैसे रखूंगी और ये पिन्स वगैरह हैं, पोनिया और ये तो ईमान की है, ये दो पोनिया रखूंगी, ये ज़रा मैं इसके अंदर रखूंगी, इसके अंदर आ गया, ये वॉच अभी नहीं चाहिए, ये दो एक्स्ट्रा पोनीस ये आ गई और ये मैं साइड पर रख दूंगी, ये तो मैंने पहननी है ना। और इसके अंदर कार्ड्स वगैरह आ गए, आईडी कार्ड वगैरह आ गया। चलो जी बंद हो जाओ। कर लिया मैंने कहा तुम, ये जी हमने रख दिया, ये हमारा बैग पैक हो गया और ये जी सनग्लासेस हो गई मेरी। अच्छा मुझे इस तरह होता है कि मैं बड़े तरीके से तसल्ली के साथ पैकिंग करती हूँ, मुझे थड़थड़ी मची हुई पैकिंग नहीं अच्छी लगती कि जब कोई चीज़ याद है अंदर रख दी, जब कोई चीज़ याद है कहीं और रख दी, कहीं जगह पे रख दी, मुझे बहुत ना कचीचियाँ चढ़ती हैं कि जब सही तरह पैकिंग नहीं हुई होती। अब ये देखें, अब मैंने ये बैग रख दिया अपना, हर चीज़ आ गई। ये जी कुछ ब्लॉगर्स की मजबूरियाँ हैं, एक ट्राईपॉड मैंने छोटा रख लिया है और एक ये बल्ब का जुगाड़ रखा है, ट्राईपॉड नहीं रख सकती तो ये बल्ब मैं रखूँगी अपने बैग में और बल्ब होल्डर को हम पूठा करके इसका मुंह अंदर घुसा के इस तरह रख देंगे ताकि टूटे ना, इधर से ऑन ऑफ होता है। ठीक है जी, अब जी मेरा ख्याल है कि बैग को बंद कर दिया जाए, अब इसके अंदर कुछ नहीं आना, बल्ब ये बैग में चला जाएगा। ये जी मेरी पैकिंग हो गई है कंप्लीट। उम्मीद है आज की पैकिंग आप लोग को जी बहुत अच्छी लगी होगी। बल्ब ऊपर अभी इस तरह पड़ा रहे, जाने वक्त अंदर कर लूँगी। ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। क्या लाइट पड़ रही है, मुझे चम चम कर रहा है। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई टिप अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग पास कोई टिप ऐसी है कि जो इससे भी बहुत अच्छी है और ज़्यादा अच्छी पैकिंग हो सकती है, मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगली दफ़ा उस तरह हम पैकिंग करेंगे। चलिए जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा, अल्लाह हाफिज़।